से बड़ी खबर है, जिला प्रशासन ने 10 बड़े बकायेदारों की सूची तैयार की है। जिला प्रशासन का अरबों रुपए धन्ना सेठों पर बकाया है। अरबों रुपए इन धन्ना सेठों ने जिला प्रशासन का हड़प रखा है। जिला प्रशासन ने राजस्व वसूली अभियान तेज किया है। उधारी के धन्ना सेठों में कई बड़े ठेकेदार हैं, नेता भी शामिल हैं। ग्रीनवे इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्टर पर अरबों बकाया है। इनका नाम विजय गुप्ता है। 3 अरब 59 करोड़ 5 लाख बकाया है। अगर इतने पैसे उत्तर प्रदेश को मिल जाए तो कितने बच्चों का भविष्य संवर जाए, लेकिन ये ग्रीनवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मेहरबानी करते हुए दे दिया गया था। आगे बढ़िए, कुछ और नाम है। एसडीएस इंफ्राकॉन एनआरआई के डायरेक्टर पर अरबों रुपए बकाया है। बड़ी मेहरबानी की गई है दानिश, अरबों रुपए इनको दे दिया गया है, अब तक वसूला नहीं गया, अब ढिंढोरा पीटा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं इनका जो रसूख था वो इतना ज्यादा भारी था अफसरों के ऊपर कि इनसे कोई वसूली नहीं हो पाती थी। बसपा और सपा कार्यकाल में जम के इन लोगों ने जो पैसा उठाया था या फिर जो जमीन का पैसा इनको देना था वो सारा पैसा इन्होंने जो है अपने पास रखा और उन जमीनों का उस कारोबार को आगे बढ़ाया। बल्कि जो हिस्सा जो बकाया प्रशासन के पास जाना चाहिए, प्राधिकरण के पास जाना चाहिए, वो जमा नहीं किया गया। सालों के बाद अब जाके इनके ऊपर सख्ती हुई है। अब जाकर इनके 10 नाम उजागर किए गए हैं जो सबसे ज्यादा बकाया की सूची, और इसमें कई नेता हैं जो कि अब बिल्डर के बिजनेस में आ चुके हैं। इसमें जो बंसल है वो उनके जो पिता है वो पूर्व विधायक है, गाजियाबाद से पूर्व विधायक रह चुके हैं बसपा से। ऐसे कई ऐसे नाम है जो बड़े नाम है और नेताओं से गठजोड़ करके या फिर ये कहें वो खुद नेता रहे हैं, लिहाजा उसका पूरा फायदा उठाया। हालांकि इस सरकार में 2 साल के बाद अब कहीं ना कहीं ये कार्यवाही शुरू हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर वसूली क्या होगी, क्योंकि जो जो है बीट एंड ड्रम एक कार्यवाही होती है, ये कार्यवाही अभी किसी भी बकायेदार के घर पे या उसके दफ्तर पर नहीं करी गई है, सिर्फ सूची जारी करी गई है। जबकि बीट ऑफ ड्रम अब तक हो चुका होना चाहिए इन सारे बकायेदारों पर, अरबों रुपए का ये पूरा बकाया है, उसके बावजूद कोई कड़ी कार्यवाही जिला प्रशासन की तरफ से नहीं करी जा रही है। लिहाजा ये कहा जाए कि हाँ इनसे वो वसूली हो जाएगी। अगर थोड़े वक्त पीछे जाए तो आम्रपाली के ऊपर 5 करोड़ का ही महज बकाया था, तो उसके डायरेक्टर को जो है एसडीएम ने गिरफ्तार कर लिया था। यहाँ पे 3 अरब 1 करोड़ किसी का 82 लाख किसी के 2 करोड़ रुपए बकाया है, लेकिन इनके ऊपर उस तरह की कार्यवाही नहीं हुई। जेल तो इनको बताया जा सकता है कि कहीं ना कहीं इनका जो वर्चस्व है आज भी कायम है और सिर्फ नाम उजागर करके जिला प्रशासन एक रात की सांस ले रहा है। जी बहुत शुक्रिया दानिश इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। इलाहाबाद में